नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूँ आपके साथ प्रीति शर्मा। ग्वालियर प्रवीण पाठक कांग्रेस के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कायाकल्प करने का काम कर रहे हैं। वहीं जो भी पुराने अखाड़े जर्जर हालत में पड़े हुए हैं उनको नया रूप दिया जाएगा। जितने भी ग्वालियर के खिलाड़ी क्रिकेट संबंधित जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है उनको आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के खिलाड़ी क्रिकेट संबंधित जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस चेकिंग में अगर कोई छात्र बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए, क्योंकि छात्र के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वह हेलमेट खरीद सके और उसका समय अनमोल रहता है। वहीं दूसरी ओर संतोष गौड़ क्रिकेट कप्तान के घर जाकर उन्हें आश्वासन दिया कि जब भी मेरी मदद की आवश्यकता होगी मैं तत्पर अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। कांग्रेस सरकार आने के बाद कुछ चीजों को वास्तव में फिर से निखारा जा रहा है और जो परिस्थिति इनकी रही है ग्वालियर में वो अभी तक सुनानी है, आगे चलकर इनको तरक्की मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि युवा हो तो मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा जो रहती है वो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में संतोष भाई और बेहतर काम कर पाए और जो आज राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने किया है उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय। बाकी जो इनका जो अभी आपने अखाड़ा है जहाँ तक अखाड़े की बात है निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूँगा कि फिर से उसका जीर्णोद्धार किया जाए और अखाड़े की जो प्रगति है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में कई सारी बड़ी बस्तियाँ हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनमें नहीं जा सकते, तो इन सबके लिए अखाड़ा संस्कृति सबसे उचित संस्कृति और निश्चित तौर पर अब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो पुराने अखाड़े हैं उनको फिर से। ग्वालियर से यतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।